हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू हरदेव शिक्षा एकेडमी। तो आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 के लिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, उसका खुद पता होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, टू अपोजिट एंगल, ठीक है, टू अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो, इन द रेशियो कुछ भी दे सकता है ना। तो हम लोग मान लेंगे 4:5, ठीक है, टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 4:5। फाइंड द एंगल, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, तो वी नो दैट है ना सॉल्यूशन, वी know that sum of opposite angles, cyclic quadrilateral जो opposite angles होते हैं उनका sum 180 degree होता है हमेशा, इसको याद रखना है ना। We know that sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree, है ना? अब रेशियो क्या है 4:5, यानी कि एक को हम 4x ले सकते हैं और अगला 5x ले सकते हैं और इनको प्लस करके हम 180 ले सकते हैं, है ना। एक अंदर अगर 4x है तो अगला 5x होगा उसका अपोजिट वाला और दोनों का सम 180 degree होगा बाय प्रॉपर्टी, यानी तो बाय प्रॉपर्टी ब्रैकेट में बाय प्रॉपर्टी तो हमने ऊपर पहले मेंशन कर दिया है ना। तो 4 और 5 कितना हो गया 9x, यानी तो 9x equal to 180 degree. That implies that x will be equal to 180 divided by 9, which is equal to 20 degree. ये हो गया हमारा x, है ना? तो x नहीं निकालना, हमको निकालना है दोनों angles, है ना? जो कि 4 और 5 के ratio में हैं। तो मान लो ये हमारा quadrilateral है, ठीक है? Cyclic quadrilateral। और ये हमारा मान लो ये वाला अगर 4x है, तो ये 5x है। तो angles 4x और 5x हैं, x नहीं है ना? तो 4x जो है वो क्या आ जाएगा? 4x या एंगल 1 ले लो, एंगल 1 इज इक्वल टू 4x इक्वल टू 4 इनटू x दैट इज 20 व्हिच विल बी इक्वल टू 80 डिग्री, है ना। एक एंगल हमारा 80 डिग्री आ गया 4x, यानी कि कम वाला इससे ज्यादा आना चाहिए दूसरा, ये हो गया 80 डिग्री। अब लेंगे हम 5x, एंगल 2 विल बी इक्वल टू 5x व्हिच विल बी इक्वल टू 5 इनटू x व्हिच इज 20 इज इक्वल टू 100 डिग्री, बिकॉज़ 5 2 आर 10 और 1 0 है, तो 100 डिग्री हो गया। तो ये वाला हमारा हो जाएगा 100 डिग्री। तो इसमें कुछ नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ कि इसको एक बार पढ़ लोगे तो एग्जाम पक्का कर लोगे, तो अच्छे से ध्यान से समझ लो और ऐसे ही क्वेश्चन में डेली डाल रहा हूँ, इसको करते रहो ध्यान से, जो इम्पोर्टेंट है वही डाल रहा हूँ जो आते रहते हैं ना, इसीलिए ध्यान दो। बोर्ड एग्जाम है, हमेशा आपसे पूछा जाएगा लाइफ टाइम कि आपको बोर्ड में कितना मार्क्स आए, इसीलिए भले ही रात की चैन आपको न मिले लेकिन अच्छे से पढ़ना है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।